Kids, we are doing worksheet number 2 of chapter mensuration, in which we are supposed to find out the area of the quadrilateral area of the polygon. So area of the quadrilateral area of the polygon, there is no fixed formula to find out the area of any quadrilateral or any polygon. Polygon is what? A figure made up of line segments. It can be 3, 4, 5, 6, 7, 8, and n number of sides could be there. And quadrilateral means four-sided figure. Four-sided polygon is known as quadrilateral. वो कैसा भी हो सकता है, वो rhombus, parallelogram, ये सारे quadrilateral ही हैं. But एक जब हम quadrilateral की बात करते हैं तो उसमें कोई property हम use नहीं कर पाते हैं, मतलब उसमें कोई sides equal नहीं हो रहा है. और मतलब बिना formula के हमको area निकालना है. तो we are just dividing the quadrilateral into triangles and then we are just taking the height. We are dividing the quadrilateral into triangles. The triangle will be formed with the help of the diagonal of the quadrilateral. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, diagonal use करते हैं और इस पर जो heights आ रही हैं उनका sum ले लेते हैं. तो this is the formula to find out the area of the quadrilateral. ठीक है, तो area of the quadrilateral is what? Half into diagonal into sum of altitudes or height. Altitudes और height को हम लोग क्या same चीज़ ही बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर डायगनल क्या है, एस क्यू है, किसी और क्वाड्रेटर में कोई और डायग्राम हो जाएगा. और इस डायगनल पे जो अपोजिट वर्टाइसेस से जो हाइट्स आ रही हैं, एल्टीट्यूड्स आ रही हैं, उनका हम लोग सम लेते हैं. एस क्यू इंटू पी एक्स प्लस आर वाई, दिस इज पी एक्स, दिस इज आर वाई, द सम वी हैव टू टेक एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेटर. नाउ सी, अब ये फिगर तो बिल्कुल ही अजीब सा दिख रहा है. वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटर ए बी सी डी. तो ए बी सी डी में हमने फिर ए सी क्या ले लिया है, डायगनल, ए सी डायगनल लिया है और सम ऑफ द एल्टीट्यूड्स. तो बी एम और डी एल क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं, 3.5 और 2 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूला हमारा वही है, हाफ इंटू डायगनल इंटू सम ऑफ द हाइट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. अब ये देखें, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये क्या है, ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए, 1, 2, 3, 4, 5, इट इज़ अ पेंटागॉन. फाइव साइडेड फिगर, फाइव साइडेड पॉलीगॉन इज नोन एज पेंटागॉन. तो अब पेंटागॉन को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने पेंटागॉन को क्या किया, एक ये हमको फिगर में दिया हुआ था, ठीक है, ए सी डी, ए सी ए और सी को हमने ज्वाइन कर दिया. तो ये आप डायगनल ले सकते हो, ठीक है. जब हमने डायगनल ड्रॉ किया तो हमें एक ट्राइंगल मिला और दूसरी तरफ हमें कौन सा फिगर मिल रहा है, ट्रेपेजियम मिल रहा है, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम. तो इस पॉलीगॉन का एरिया निकालने के लिए हम ट्राइंगल और ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड कर देंगे. सो वी विल गेट द फॉर्म एरिया ऑफ द गिवन पेंटागॉन. तो ट्राइंगल के लिए हमें बेस चाहिए, तो बेस यहाँ पर क्या है, ए सी, और हाइट क्या है, बी जी, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर इज द बेस एंड 4 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ फॉर दिस ट्राइंगल. ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी. ए प्लस बी मीन्स सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम एंड हाइट, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. तो 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, पैरेलल साइड्स की वैल्यू हो गई, और 2 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई. तो दोनों के एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ दिस पेंटागॉन. मतलब जब भी कोई पॉलीगॉन दिया हुआ है और आपको उसका एरिया निकालना है, क्वाड्रिलेटरल दिया है उसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसको ट्राइंगल्स, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, इस फॉर्म में हम लोग उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अगर फिगर में नहीं दिया है तो. देन दिस वन, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स. अब इसमें फिर से पॉलीगॉन दिए हैं. अब ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये फिर से एक पेंटागॉन दिया है, पेंटागॉन दिया है, ये एक डायगनल है हमारा, पी आर, पी से आर को हमने ज्वाइन किया तो डायगनल मिल गया हमको. डायगनल पर दो हाइट्स हैं, सो दीज टी यू एंड क्यू, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज एम, क्यू एम इज द आर द हाइट्स ऑन दिस डायगनल्स. ठीक है, तो पॉलीगॉन का एरिया निकालना है, तो ये हमको फिर से एक ट्रेपेजियम मिल गया और ये हमको एक ट्राइंगल मिल गया. आप चाहो तो इनकी आउटलाइंस बना सकते हो सो दैट द फिगर विल बी मोर क्लियर. तो ट्राइंगल के लिए ये बेस हो गया, 10 सेंटीमीटर बेस हो गया, और हाइट कितनी हो गई, ये 5 सेंटीमीटर की. तो हाफ बेस इंटू हाइट से हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, और ट्रेपेजियम का एरिया हम लोग को पता है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच. तो ए कितना है, 6, बी कितना है, 10, और एच कितना है, 4. ठीक है, तो पूरा एरिया हम लोग इस ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है. अब इसमें साइड्स देखें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मीन्स इट इज़ अ हेक्सागॉन. मगर ये रेगुलर हेक्सागॉन नहीं है. रेगुलर मतलब क्या होता है, कि सारी की सारी साइड्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए. तो ये रेगुलर हेक्सागॉन नहीं है. तो हम लोग को फिगर में कैसा दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल ये दिया हुआ है छोटा सा,
जिसमें बेस 5 है और हाइट 2 है, तो आप यहीं पे हाफ इंटू 5 इंटू 2 करके इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, दैट इज़ 5। अब ये दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। हेक्सागन को उन्होंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये इस ट्राइंगल को हम लोग देखें तो इसकी हाइट कितनी है 4 और इसका बेस कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो हाफ इंटू 7 इंटू 4 से हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ 14, ठीक है। अब इसके बाद ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल में क्या है, ये बेस है 7, इसका भी बेस है और ये क्या है हाइट। आप इसको चाहो तो क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने इसको ट्राइंगल लेके सॉल्व किया, आप इसको क्वाड्रिलेटरल ले सकते हो, क्वाड्रिलेटरल एफ डी सी बी, जिसमें एफ सी आपका डायगनल हो जाएगा और ये दोनों आपके कैसे वर्क करेंगी, हाइट जैसे, वैसे भी ले सकते हैं। और एक और ये लास्ट ट्राइंगल जिसका बेस कितना है 6.5 और हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल्स लेके, क्वाड्रिलेटरल लेके आप अपने हिसाब से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ दिस क्वेश्चन, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 साइडेड पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टागॉन, एंड इट इज अ रेगुलर ऑक्टागॉन। रेगुलर ऑक्टागॉन का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये इसमें दिया था ये 5 है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, 5। ये फिगर आपको देखो कैसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ट्रेपेजियम, ऐसा ही एक ट्रेपेजियम यहाँ पे हमको नीचे दिख रहा है। जब हमने ऑक्टागॉन में से 2 ट्रेपेजियम निकाल लिए तो हमको बीच में क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल। ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, और फिर से ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले का यूज करके हम ये पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म का एरिया निकाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन, देयर इज अ पेंटागोनल पार्क, नेहा एंड निधि डिवाइडेड इट इंटू 2 डिफरेंट वेज। एक पेंटागोनल पार्क था और नेहा निधि ने उसको 2 तरीके से इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क इन बोथ वेज, दोनों तरीके से आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस पार्क का। तो ये जो हाइट थी ये 28 थी, तो ये जो लाइन खींची है ये क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी, ठीक है। ये 15 है और ये 15 है, तो ये फिगर आपको क्या दिख रहा है, ये वाला फिगर आपको क्या दिख रहा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। सो ट्रेपेजियम मतलब पेंटागॉन को हमने 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड कर दिया है, दोनों ट्रेपेजियम का एरिया हम लोग निकालेंगे, या एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, या और एक ये जो हाइट होती है, क्योंकि ये कैसा है आइसोस्केल, ये इसकी दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, इसकी दोनों साइड इक्वल है, ये जो पेंटागॉन था इसकी 2 साइड इक्वल है, इसकी आमने सामने की फिर से साइड इक्वल है, ठीक है। तो जब हम इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये 6 होगा और ये भी क्या हो जाएगा, 6 होगा, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये 6 हो गया और ये भी क्या हो गया, 6 हो गया, तो हमको 2 ट्रेपेजियम मिल गए जिसकी डायमेंशन सेम है। तो आप एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी एरिया आ जाएगा, या दोनों का एरिया निकाल निकाल के ऐड कर दो, देन ऑल्सो यू विल गेट दी एरिया ऑफ दिस कंप्लीट पेंटागॉन। और ये फिगर तो बिल्कुल ही सिंपल है, इस फिगर में क्या बन गया है, ये एक रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा 15 और ये जो हाइट थी हमारी 28, ठीक है, 28 में से 15 तो ये अंदर आ गई, और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, 28 माइनस 50, सो दैट इज 13, मतलब ट्राइंगल की हाइट कितनी हो गई, 13, और यहाँ पर बेस कितना था, 12 था, तो यहाँ भी बेस कितना हो जाएगा, 12, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12, मीन्स एरिया ऑफ दिस पेंटागॉन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ बेस 12 एंड हाइट 13 एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विथ लेंथ 15 एंड ब्रेथ 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इज 12 इंटू 13 प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एल इंटू बी दैट इज 15 इंटू 12। तो ऐसे करके आप ये टोटल एरिया निकाल सकते हो, और यहाँ पर कैसे निकालेंगे, एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रेपेजियम ए प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू हाफ इंटू ए प्लस बी मतलब क्या हो गया, 15 प्लस 28 इंटू हाइट कितनी हो गई हमारी, ये हमारी हाइट होगी, ठीक है, तो हाइट कितनी हो गई, 6। तो ये कैलकुलेशन करेंगे और दोनों का एरिया आप चेक करिए कि कितना आ रहा है। व्हेन यू विल फाइंड आउट द एरिया इन बोथ केसेस द एरिया विल बी सेम, ये 258 और यहाँ भी 258 आएगा, मतलब
हमने एक पॉलीगॉन लिया और उसका एरिया निकाला। अब आप किसी भी मेथड से निकालो, यहाँ पे हमने उसको क्या किया, ट्रेपेजियम में, दो ट्रेपेजियम में डिवाइड किया और यहाँ पर ट्राइंगल और रेक्टेंगल के फॉर्म में डिवाइड किया, बट इन बोथ केसेस द एरिया वॉज सेम।